20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। हज उमरा के नाम पर ठगी करने वाले फ्लाई उमरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स के मालिकों के खिलाफ दर्ज हुआ ठगी का मामला। देखिए किस तरह से करते हैं ठगी, क्या बता रहे हैं ठगी के शिकार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा हज उमरा कराने के लिए फ्लाई उमरा टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी, फ्लाई उमरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी, इसके मालिक है, प्रोप्राइटर है जायदा मलिक, फिर जाहिद मलिक, अमान खान, अमजद मलिक, ये चार लोग हैं जो ये ठगी का कारोबार करते हैं। अब इनके खिलाफ गत 12 फरवरी को जोगेश्वरी के ओशीवरा पुलिस स्टेशन में ठगी की एफआईआर दर्ज हुई है। जोगेश्वरी की रहने वाली शाहिदा कुरैशी नामक महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई है और उन्हीं की शिकायत में अन्य जिनके साथ ठगी की है उन लोगों को भी जोड़ा गया है। ये बाकी के जो लोग हैं इनमें कई सब एजेंट है जो हज उमरा टूर्स के पैकेजेस देते हैं और बड़ी कंपनी के जरिए जो है वो लोगों को फिर हज उमरा के लिए भेजते हैं। ऐसे ये सब एजेंट का काम करने वाले लोग हैं। शाहिदा कुरैशी की बात आपको अंत में सुनाई देगी। शुरुआत होगी आपको पहले जमीर जहूर ताके से और उसके बाद एक एक करके एक एक पीड़ित जो है किस तरह से उनके साथ ठगी की गई है वो बताएंगे। अब आपको यहां पर बता दें कि काफी दिनों से ये लोग पुलिस में फ्लाई उमरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स के और उसके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चक्कर काट रहे थे, मगर जोगेश्वरी में ही इनका ऑफिस है और पुलिस इनकी शिकायत नहीं ले रही थी। टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस अपने ही ज्यूरिडिक्शन में रहने के बावजूद पुलिस शिकायत नहीं ले रही, तो यहां पर फिर इन लोगों ने संपर्क किया भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मलाड़ के पदाधिकारी रिजवान से। रिजवान जैयद ने इनकी सब तमाम तकलीफों को सुन करके, इनका पत्र व्यवहार देख करके फिर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है भारती लवेकर, उनको लिया और उनसे बातचीत करके फिर पुलिस से बात करवाई। ये दोनों पीड़ितों से मिले और फिर पुलिस में जाकर के उन्होंने बात की, जिसके बाद फिर ये शाहिदा कुरैशी और अन्य लोगों की एकत्रित एक शिकायत दर्ज की गई है। तो हज उमरा ट्रेवल्स के नाम पर कई एजेंसी चलती है, कई ऑफिस चलते हैं, कई लोग काम करते हैं, उनमें से कई जो है वो ठगी भी करते हैं, वो इसी तरह से ठगी करते हैं और वो भी हज और उमरा के नाम पर। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे ठगों को जानिए और अपना हज उमरा का जो एक अहम फरीजा होता है, एक जिंदगी भर का जो ख्वाब होता है कि इस बड़े फर्ज को अदा करना है, तो उसको अदा करने में आप सजग रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल शेख है, मेरी कंपनी का नाम BH ट्रैवल सर्विस है, मैं कुरला से हूँ। मैं फ्लाई उमरा इंटरनेशनल के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मेरे टोटल 36 पैसेंजर्स थे, उसमें से 15 पैसेंजर्स गई और 22 पैसेंजर मेरे साथ थे। उनकी टिकट वीजा सब की है लेकिन रिटर्न आने की टिकट सेम डे कैंसिल हो चुकी है और मैं यहाँ से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ जाहिद को कॉल करने, जाहिद मलिक और अमजद मलिक ये दोनों कंपनी के हैं और रिप्रेजेंटेटिव अमान है और उनका प्रोप्राइटर जो है जायदा मलिक और जो भी अकाउंट मैंने पेमेंट किया वो जायदा मलिक के अकाउंट फ्लाई उमरा। उन्हें एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं, फोन का रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास सब चीज के ट्रांजेक्शन है, उन लोग के पास मैंने पेमेंट किया, देन ऑल्सो दे आर टेलिंग कि हमारे पास हमने कुछ पेमेंट ही नहीं किया। तो अब इसमें क्या चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए? इनके अगेंस्ट कंप्लेंट है और हम जैसे फंसे हैं और कोई फंसे नहीं। उन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर करके हमको फंसाया है, फ्रॉड किया है हमारे साथ। ठीक है, तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं? मैं आया हूँ रिजवान सैयद साहब के पास, जो मलाड़ मालोनी अपने BJP के, अपने माइनॉरिटी के मेन मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं उनके पास। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? एक्शन होना चाहिए क्योंकि हम फंसे और कोई फंसना नहीं, कोई फंसना और हमारे कॉम वाले ये सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यही। ठीक है,
जी हाजी साहब, आपका क्या मसला है, आपके साथ क्या किया इसने? मैं सफीर रहमान अल खालिस टूर एंड ट्रेवल से साकिनागा में रहता हूँ जी। हमारे 6 पैसेंजर 11 नवंबर को जाने वाले थे और 11 नवंबर के बाद कहा 12 को जाएंगे, फिर 14 का जो उसने डेट दिया। और जो सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन किया था वो 30 अक्टूबर को किया था 50,000 का, और सब जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन की कॉपी है और ये पूरी कंप्लेन है, इस पे जो है पूरी डिटेल लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए पुलिस के थ्रू, या इसके खिलाफ FIR हो। इसी वजह से हम रिजवान सैयद साहब के पास आए हैं और इनका तआवुन लेने के लिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा काम हो सके। ये अपना फ्लाई उमरा इंटरनेशनल वाले, हाँ ये फ्लाई उमरा इंटरनेशनल जिसके अपना ऑर्गेनाइज जिसके जो हेड है वो जाहिद मलिक है और अमजद मलिक है। ठीक है हाजी साहब, आपके साथ में क्या फ्रॉड किया इन लोगों ने, फ्लाई उमरा वालों ने? जी अफजाज ट्रेवल से जमीन बोल रहा हूँ जी। मेरे टोटल 17 आदमी थे जी, जो 19 नवंबर को 2023 को इनका जाना था उमरा के लिए। तो जाहिद मलिक और उनके जो साथ में रहते हैं अमान करके, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। पूरा पेमेंट लेके उन्होंने सिर्फ 6 वीजा इशू किया है, और अभी जब मैं पैसा मांग रहा हूँ तो कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई फोन नहीं रिसीव कर रहे। उनके खिलाफ मैंने ओशीवारा पुलिस स्टेशन में ये एप्लीकेशन दिया हूँ। ये अभी इसको तकरीबन 3 महीना ज्यादा हो रहा है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं। ये है उसकी पूरी कॉपी, स्टेटमेंट लिया हुआ है पुलिस ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, ना FIR दर्ज कर रहे हैं ना हमको कुछ रिप्लाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए और हमारा सबका पैसा जो डूबा हुआ है वो पूरा पूरा मिले। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि फ्लाई एंड उमरा टूर जो जोगेश्वरी में है, इससे बचे। ये फेसबुक पे बहुत सारे पोस्टर वायरल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। हुकूमत से इल्तिमास है कि ये जल्द से जल्द इस फ्रॉड को पकड़े और इसके साथ सख्त कार्रवाई करे, वरना ये उड़ने के चक्कर में है, इंडिया छोड़ने के चक्कर में, अल्लाह बचाए इससे। जी हाजी साहब, आपके साथ क्या फ्रॉड किया इन लोगों ने, फ्लाई उमरा वालों ने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशाद मंसूरी है और मैंने ऑनलाइन देखा था इनका फेसबुक पे फ्लाई उमरा इंटरनेशनल का, और मैं इनसे मिलने गया और हमारे 7 लोग में क्लाइंट था और 7 लोग थे हम लोग जी, और सब अमान से सब बात हो गई और जाहिद से, और मैंने उनको चेक दिया था 4,43,000 का और 15 दिसंबर का डेट दिया था और हमको भेजा नहीं, फोन बंद कर दिया, फिर उसके बाद स्विच ऑफ था फोन, फिर कोई बात नहीं हुई उससे। तो अभी आपका पैसा रिटर्न आया, चेक दिया, क्या 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 रहा? रिटर्न चेक दिया, बाउंस हो गया दो बार बाउंस हो गया। मतलब खाली आपको चेक दिया और पैसा है नहीं अकाउंट में दिया, और प्रोप्राइटर जो है वो जाहिदा मलिक अमजद की भाई। ठीक है, और तो अभी आपने इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया, पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ? हाँ लिया था, लेकिन पुलिस वाले बोलते इधर जाओ उधर जाओ ऐसा कर रहे हो। अच्छा, तो इसीलिए आज आप कंप्लेन नहीं ले रहा है? हाँ। अच्छा, कंप्लेन नहीं ले रहा है, तो इसीलिए आज आप मदद के लिए कहाँ आए हैं? रिजवान सैयद जिनके ऑफिस मलाड में, उनके पास आए। अच्छा, ताकि इसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन और कार्रवाई के लिहाज से 15 डेज यहाँ पर थी, और फ्लाई उमरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल जिसने रिप्रेजेंट किया था जाहिद मलिक और अमान ने, और 15 हाजियों को इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने फ्रॉड किया, सारे पैसे इन्होंने ले लिए, हाजियों को सिर्फ तारीख पे तारीख देते गए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं करे। इन लोगों के फोन बंद हो जाते थे, इन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे, जब रिफंड की बात करते थे तो इनका फोन और ऑफिस दोनों बंद रहता था। 12-12 घंटा 6-6 घंटा ये ऑफिस में रुका कर बाहर बुला कर बिठाते थे, लेकिन इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ऑफिस भी लॉक रहती थी इनकी। कुरला से लेके मुझे जोगेश्वरी तक बार बार अप डाउन करना पड़ा, बट कोई भी एक्शन नहीं है, ये एक फ्रॉड कंपनी है। तो बस मैं आई हूँ आज रिजवान भाई के पास मदद के लिए, और बस इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिए जाए, ताकि और भी बाकी के जो मुसलमान हैं वो बच सके हमारी कौम के लिए आगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वगैरह पे मैं काम करता हूँ, और अभी जिस सिलसिले में ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, फ्लाई उमरा इंटरनेशनल करके जो एक फ्रॉड टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, इन्होंने अब तक के मेरी वो वीडियो वायरल होने के बाद में दसियों लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है कि इन्होंने उन सब के साथ में फ्रॉड किया है। इस वीडियो में कई सारे लोगों की आपने बातचीत सुनी है, अभी और दसियों जन ऐसे हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उनके साथ में भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है।
आप ये अंदाजा लगा ले, जहां तक कि मैंने काउंट किया है कि करोड़ों रुपए में इन्होंने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर।